हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थोड़े दिन पहले डियासर की तरफ से मुझे एक कोलैबोरेशन ईमेल आता है टू ट्राई दिस प्लगइन एंड शेयर माय पर्सनल थॉट अबाउट दिस प्लगइन। सो आज हम इस वीडियो में इस प्लगइन को ट्राई करके देखने वाले। जो लोग कलर ग्रेडिंग करते हैं या फिल्में करे उनके लिए प्लगइन काफ़ी काम में आने वाला है। और मैं यहाँ पर यह बता दूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो जो भी कुछ होगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने एग्जाम्पल्स देखे वो लुक मैंने कैसे अचीव किया विद द हेल्प ऑफ दिस प्लगइन, सो वो आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेसिक करेक्शन है वो मैंने करके रखा है और बेसिक करेक्शन के लिए भी मैंने डाविंसी यूज़ किया है। अगर आपके पास दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर है तो मैं आपको बता दूँ कि ये प्लगइन प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, आफ्टर इफेक्ट और iOS के लिए भी अवेलेबल है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से आप इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नोड क्रिएट करेंगे, सीरियल नोड, और उसको हम लेबलिंग करेंगे डिहेंसर। जब हम एडिटिंग करते हैं तो नोट्स को लेबलिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए किस नोड पर क्या काम हुआ है। तो यहाँ पर राइट साइड में इफेक्ट्स में जाकर हम यहाँ पर सर्च करेंगे डिहेंसर। तो ये जो प्लगइन है वो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। अगर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस जानना है तो वेबसाइट पर डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस प्लगइन को अप्लाई किया है तो वीडियो का जो लुक है वो चेंज हो चुका है। तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट इफेक्ट है वो हमें पहले ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें पहले से ही ऑन है, तो इसे हम एक एक करके सब ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर नीचे आने के बाद जो मॉनिटर वाला सेक्शन है उसमें क्लिपिंग इंडिकेशन है वो हम ऑन रखेंगे और उसका यूज़ कैसे है वो मैं आगे बताऊँगा आपको। तो अभी जो बाकी चीज़ है वो हमने ऑफ़ कर लिए और अभी आप देख सकते हैं जो फुटेज है वो हमारे नॉर्मल हो चुके हैं। तो अभी हम इस पर काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सेक्शन है वो है इनपुट, और जो सोर्स है हमारा वो हम रेक 709 पर ही रखेंगे। अभी ये जो फुटेज है वो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है, इसलिए इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये कैमरे की फुटेज है तो इसके लिए हम रेक 709 यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास स्मार्टफोन की वीडियो है तो उसमें आप सोर्स रेक 2020 पर सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें जाके आप एक एक चीज़ सेट कर सकते हैं। तो इसके नीचे जो फिल्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोफाइल्स है, तो बेसिकली ये फिल्म स्टॉक है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब से ले सकते हैं। तो फिलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसे डिसेबल ही रखेंगे। यहाँ पर नीचे जो है वो फिल्म डेवलपर है और फिल्म कंप्रेशन, तो ये जो सारी चीज़ है वो टेक्निकल चीज़ है और इसके लिए बहुत डीप नॉलेज चाहिए, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। जब हम फिल्म डिसाइड करते हैं तो उससे पहले हमें प्रिंट डिसाइड करनी पड़ती है कि हमें प्रिंट कौन सा रखना है। तो हमारी केस में हम इसे लीनियर ही रखने वाले हैं। तो इसमें जो कोडैक 2383 प्रिंट फिल्म है, हॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज़ में ये प्रिंट फिल्म यूज़ हुआ है, जोकर हो गया, बैटमैन हो गया, ऐसी बहुत सारी फिल्म्स है इसमें यही प्रिंट यूज़ हुआ है। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप डिहेंसर के वेबसाइट से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या यूट्यूब या इंटरनेट से भी इसकी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे लीनियर पर ही रखेंगे, और ये जो चीज़ें प्रिंट और फिल्म वो हमें बेसिक करेक्शन के बाद ही अप्लाई करनी है, क्योंकि अगर आप बेसिक करेक्शन के पहले उसको रखते हो तो जो आउटपुट है वो बहुत ही अलग आ जाएगा। इसलिए ये जो चीज़ें है वो आपको बेसिक करेक्शन के बाद ही रखनी है। और यहाँ पर एक कलर हेड, जो RGB चैनल होते हैं वो आप सेपरेटली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। शेडो में आपको कौन सा टोन रखना है, वार्म रखना है या कूल रखना है, वो यहाँ से सब चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसे भी ऐसे हम छोड़ देते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूम। आजकल सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे वीडियोज़ देख रहे होंगे ड्रीमी लुक के, तो वो ड्रीमी लुक एक्चुअली वो ब्लूम इफेक्ट है। और इसमें भी आप देख सकते बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल्स है, सबसे पहले हमें इसे एनेबल करना पड़ेगा और बाद में हम चेंजेस देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 8mm ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सॉफ्ट लुक आ चुका है। जैसे ही मैं इसे ऑन ऑफ करता हूँ तो आप चेंजेस देख सकते हैं। तो इसमें जो प्रोफाइल है वो मुझे 8mm ठीक लग रहा है, और जो एम्पलीफाई है
वो हम यहाँ पर 90 के अराउंड रखेंगे। तो अगर आपको अच्छा खासा इफेक्ट चाहिए तो 8mm 16mm आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हैलेशन देख लेते हैं। हैलेशन और ब्लूम इफेक्ट है वो मेरा फेवरेट इफेक्ट है, और इसमें भी जो प्रोफाइल्स है वो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले इसे हमें एनेबल करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम पहले 8mm ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्राइट हाईलाइट्स है उसके अराउंड हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इसमें भी अगर आपको इफेक्ट ज़्यादा चाहिए तो 8mm पर आप रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा कम चाहिए तो आप 16mm पर जा सकते हैं। और ऐसे ही आप बाकी प्रोफाइल भी ट्राई कीजिए, जैसे आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है वैसे आप इसमें रख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए 16mm अच्छा लग रहा है। और एम्पलीफाई हम 78 पर रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लॉक है और इसमें जो डिस्प्ले पैनल है, यहाँ पर आप इफेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें फिल्म ग्रेन ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे एनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट, और इसमें हम 8mm ट्राई करते हैं। तो इसमें हम अगर 8mm पर रखते हैं तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन की साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी है, और अगर हम 16mm पर रखते हैं तो ग्रीन साइज़ है वो थोड़ी सी और भी छोटी हो जाती है, और अगर हम 35mm देखते हैं तो जो ग्रीन से वो और भी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम 35mm ISO 50 पर रखेंगे, और जो अमाउंट है वो हम इसमें रखेंगे 10 के अराउंड। तो अभी हम ओवरऑल लुक देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर। तो लुक तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और स्टार्टिंग में मैंने जो मॉनिटर में क्लिपिंग इंडिकेशन ऑन किया था उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे एक्सपांड में और इसे हम एनेबल करेंगे, और इसमें आप देख सकते हैं अगर मैं ब्लैक पॉइंट को ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू पार्ट आ चुका है। वो हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्लैक पार्ट में डिटेल्स है वो ख़त्म हो रही है। तो हमें ये चीज़ें ऐसी सेट करनी है जहाँ पर वो ब्लू पार्ट जो है वो नहीं आना चाहिए। और सेम वैसे ही हम अगर वाइट पॉइंट को कम ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड इंडिकेशन आ रहा है, मतलब इसमें जो हाईलाइट में डिटेल्स है वो भी ख़त्म हो रही है। तो हमें ये मैक्सिमम रेंज बताता है हाईलाइट के लिए, और शेडोज़ के लिए ये हमें इंडिकेट करता है कि आप इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते या इससे नीचे नहीं जा सकते। तो ये एक फ़ायदा होता है जब हम प्रोफेशनल टूल्स यूज़ करते हैं। और इसमें बाकी और चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस प्लगइन को आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इनका जो वेबसाइट का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और 1 मंथ इसका फ्री ट्रायल आप ले सकते हैं। और अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं, अगर आप इसे लाइफ टाइम के लिए परचेस करते तो इसका $450 के अराउंड इसका प्राइस है। आई नो इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप इसे फ्री में डाउनलोड कीजिए और 1 मंथ इसको यूज़ करके देखिए, अगर आपको लगता है ये प्राइस के हिसाब से ठीक है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। और जब आप परचेस करने जाओगे तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।